हमें मास्टर जी बाहर मिले और उन्होंने हमसे कहा है कि आज स्कूल बंद है, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है, इसीलिए उन्होंने हम सबको आज छुट्टी दे दी। क्या बात है दोस्तों, वैसे भी आज पढ़ने का जरा भी मन नहीं था। लेकिन कल तो मास्टर जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। पर मास्टर जी तो कभी बिना वजह छुट्टी नहीं देते। छोड़ो ना भीम, अब जब छुट्टी दे ही दी है तो ढोलो और भोलो से बहस करने का क्या फायदा। छुट्टी आ गई। मास्टर जी, आप? हाँ, मैं। तुम बच्चे तो आज स्कूल आए नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं ही यहाँ आ जाता हूँ। लेकिन मास्टर जी, आज तो छुट्टी है ना? क्यों? आज तुम्हारा जन्मदिन है? नहीं, आपका जन्मदिन है। हाँ? मेरा जन्मदिन? अब क्या बोल रहे हो? लेकिन मास्टर जी, भोलू और भोलू ने हमसे कहा कि आज छुट्टी है। झूठ मत बोलो, उन दोनों बेचारों पर इल्जाम मत डालो, सिर्फ वो दोनों ही स्कूल आए थे। तुम सबको दंड मिलेगा। चखाऊंगा कि तुम दोनों की अभी खबर लेता हूँ। हमने क्या किया उस्ताद? तुमने झूठ बोला और हमें मास्टर जी से डांट खिलवाई। लेकिन ये देखिए उस्ताद, हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं? सुनो, मुझे तो नींद आ रही है। और अब मौसी फिर से वो किस्मत लड्डू कब बनाने वाली है चुटकी? क्या पता, माँ कब क्या करे वही जानती है। आओ काले उस्ताद, आओ। तो इतने गंदे कैसे हो? नहाए नहीं हो क्या? हाँ, नहीं नहाया। लेकिन क्यों कालिया? अरे भीम, भूल गए कल मेरे किस्मत लड्डू की पर्ची में क्या लिखा था? है ऐसा संयोग कि सब कुछ होगा अच्छा, पर ऐसे संयोग को धो नहीं देना बच्चा। हाँ, इसीलिए अब मैं कभी नहीं नहाऊंगा, नहीं तो मेरी अच्छी किस्मत धुल जाएगी। अरे कालिया, तुम बिल्कुल गलत समझ रहे हो। अच्छी किस्मत का नहाने से कोई लेना देना नहीं होता है। चुप रहो भीम, तुम बस मेरी अच्छी किस्मत से जल रहे हो और इसे धो देना चाहते हो। चलो यहाँ से। अरे ढोलू और भोलू, क्या हुआ तुम्हें? उस्ताद ने 3 दिन से पानी को हाथ तक नहीं लगाया। उनसे बहुत बदबू आ रही है, उनके पास जाना भी मुश्किल है। प्लीज हमें बचाओ, हम ये बदबू और नहीं सह सकते। ये ढोलू भोलू कहाँ गए? कालिया,
नहीं धुलने दूंगा। कालिया को किसी भी तरह नहलाना ही होगा। ढोलकपुर के लिए। कालिया कई दिनों से नहा नहीं रहा है, उसे नहलाने के लिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। समझ गया। मुझे नहीं नहला पाओगे। नहाना तो तुम्हें पड़ेगा ही। धोकर साफ सुथरा रहता हो अच्छे से, उसकी किस्मत बुरी कैसे हो सकती है। ये लो मेरे खास लड्डुओं की टोकरी, सिर्फ तुम्हारे लिए।